पहले जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं आयोजक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बोलने का मौका भी दिया और ये कार्यक्रम यहाँ जंतर मंतर पे आप सभी की ये एकत्रित हुए, उनका धन्यवाद करता हूँ। SC ST एट्रोसिटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे साथ 20 तारीख को एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक प्रहार किया है और उस प्रहार में उन्होंने हमारे को अभी एक सबक सिखाने के लिए बोला है कि आप संभल जाओ। उन्होंने अभी हमारी एक बाजू काटी है, अगला प्रहार उनका हमारी सीधी गर्दन के ऊपर होगा, इसलिए हम सबको इस प्रहार का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब हम दे सकते हैं अपनी एकता से, अपनी अखंडता से। और बाबा साहब ने हमें वो एकता और अखंडता हमें अपने वोट के अधिकार से दिए। मैं आप सबसे इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपने वोट का अधिकार, अपने वोट का जो मूल अधिकार है उसको आप समझे और किसी भी ऐसे इंसान को वोट ना दे, चाहे हमारा वोट किसी भी निर्दलीय को चला जाए, लेकिन ऐसे ब्राह्मणवादी, ऐसी सोच RSS BJP वादी लोगों को नहीं देना चाहिए जो हमारे ST SC एट्रोसिटी के ऊपर प्रहार करे, हमारे ऊपर हमारे इस कानून को और खत्म करने के या हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम करे। मैं साथियों आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 2 अप्रैल को जो हमारे बच्चों ने, हमारे साथियों ने, हमारे युवाओं ने बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन किया, पूरा भारत बंद किया, लेकिन आपको सोच के ये बड़ा अफसोस होगा कि शांतिपूर्ण आंदोलन के तहत भी हमारे साथियों, हमारे बच्चों और हमारे युवाओं के ऊपर पता नहीं जघन्य अपराधों के इन्होंने मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों में बंद कर दिया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि सबसे पहले हमें अपने साथियों को छुड़ाने के लिए कोई आंदोलन दोबारा खड़ा करना पड़ेगा और आंदोलन हमारी एकता के बगैर नहीं हो सकता, हमारी अखंडता के बगैर नहीं हो सकता। जहां हमारा PM 2 करोड़ नौकरी देने की बात करता है, उसी लाल किले से वो उस लाल किले को बेचने की बात करता है और बोलता है कि अभी तो लाल किला किराए पे दिया है, मैं तुम्हारे मकान भी किराए पे दे दूंगा, और बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर अगर किसी पार्टी के लोग अगर नीचता पे अगर उतरे हुए हैं तो वो BJP के लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों को गंदी नजरों से देख भी रहे हैं और उनका मजाक और उनके साथ शोषण भी कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं, उन्हें अपने देश की कोई परवाह नहीं है कि वो हमारे देश में क्या हो रहा है। हेलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं सबसे इनसे कहना चाहता हूँ, लेकिन बेटों को भी समझाओ क्योंकि सबके घर में बहन बेटी है, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, लेकिन जब ऐसी हरकतें देखता हूँ तो मेरे भी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहता हूँ बेटों को भी समझाओ क्योंकि बेटी सबकी है, बेटी सांझी है, बेटी समाज की है, बेटी देश की है, बेटी दलित की बेटी के साथ क्यों आज इन सबकी आंखों में आप रड़क रहे हैं क्योंकि आपकी दलित बेटियां पायलट बन रही हैं, IAS बन रही हैं, IPS बन रही हैं, क्यों ना बने, पढ़ाई कर रही हैं, लिखाई कर रही हैं, बाबा साहब ने जो कानून हमें दिया है उसका वो फायदा उठा रही हैं और हम भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं। मैं आप सबसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, आज मजदूर दिवस पे आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं, ये भी सब बाबा साहब ने ही बनाया था। कानून के 12-12 घंटे 16-16 घंटे मजदूर काम करते थे, बाबा साहब ने वो घंटों को कम करके एक नियम और एक समय सीमा तय करी, 8 घंटे के लिए सभी मजदूरों के लिए एक समय बनाया और 8 घंटे के बाद अगर कोई मजदूर काम करता है तो उसको ओवर टाइम के रूप में वेतन दिया जाएगा। बाबा साहब ने ऐसे बहुत सारे कानून बनाए, जैसे यूनियनों का एक्ट बनाया, कानून बनाया कि यूनियन के माध्यम से मजदूर अपने अधिकारों को मांग कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, सभी आयोजकर्ताओं का, भाई आजाद का और बहन जी का नाम नहीं जानता, आयोजकर्ताओं का
सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया, आप लोगों को आज जानकारी दिलाई कि जो हमारे साथ हो रहा है उसका विरोध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुवाद, ब्राह्मणवाद, बीजेपी, आरएसएस ये नहीं चाहती कि आप आगे बढ़े, आपको वापस 5000 साल पीछे ले जाना चाहती है। ये ऐसी सोच है, आरएसएस बीजेपी की सोच है, किसी किसी माध्यम से ये आपके बीच में आते हैं, आपको उग्र करते हैं, आपको गलत राह देते हैं, गलत राह समझाते हैं और धर्म के नाम का आपको लड़ाने की बात करते हैं। एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का अगर कोई कानून है तो वो संविधान में है और हम आज इस मन से कहते हैं उस संविधान को जो बदलेगा हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जय भीम, जय भारत।